प्रतापगढ़ के रानीगंज विधानसभा में जनता का क्या मिजाज है, इस बार जनता किसे अपना विधायक चुनेगी, इस बार क्या है उनका चुनावी मुद्दा, इन्हीं सब मुद्दों पर जनता की राय जाननी चाहिए। हमारे सहयोगी सत्येंद्र कुमार ने सुनिए। राजेंद्र कुमार तिवारी जी, ये बताइए कि यहाँ से कौन कौन सी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं? सपा, बसपा, भाजपा, जी तीन है यहाँ जी पार्टी में, और भाजपा के हर जगह मैं, और दो तो बाहरी आए हुए हैं, ये इसी गांव के किसान आदमी हैं। हर दुख सुख में चारों तरफ सिर्फ विधायक जी आते हैं, चाहे जो। और हमारे यहाँ रानीगंज विधानसभा में ऐसे ऐसे गलियाँ थी जो 50 साल से सब विधायक और मंत्री थे, लेकिन कभी नहीं हुआ। धीरज ओझा जी जब से आए, हर गली हर गांव में रोड हो प्लस नलका हो, कोई भी चीज़ ऐसा है जो इनके राज में आया ना हो, और जितने आए कोई काम नहीं थी, सिर्फ हलवा बनाए। धीरज विधायक जी आए 5 साल में, 3.5 साल सिर्फ काम किए, 1.5 साल कोरोना था, 3.5 साल काम किए, 3.5 साल इतना काम किए वो कि कोई विधायक किया नहीं, और इनके मुकाबले कोई विधायक नहीं। भाजपा मैं है चारों तरफ। इस बार रानीगंज की जनता जो है पुनः किसको विधायक? सिर्फ धीरज ओझा को। इतना दिन लगे रहे धीरज ओझा, कितने आदमी चाह रहे कि धीरज ओझा विधायक ना टिकट ना पाए, लेकिन धीरज ओझा को माँ बराही माँ चौहर्जन का आशीर्वाद है, इस वजह से इनको टिकट मिला, फिर ये विजयी होंगे, चाहे जो इनको विजयी करना। माननीय विधायक अभय कुमार 3 प्रत्याशी आए हुए हैं, जो लड़ने वाले लड़ने लायक थे लेकिन अब नहीं लड़ पाएंगे। जो हमारा माहौल है बीजेपी का, अभय कुमार एक धीरज ओझा का, जो कि भाजपा यहाँ एक नंबर पे चलेगी और इसके टक्कर में बीजेपी कोई है नहीं प्रत्याशी। और एक चीज़ आप लोग सुनिए भाई लोग, कि हमारे विधायक जी ने इतना विकास कर किए हैं रानीगंज में, ऐसा कोई इलाका या कोई गाँव ऐसा नहीं बचा जहाँ विधायक जी काम ना पहुँचा हो विकास वाला। और यहाँ जैसे कितने हर कास्ट के लोग, या हिंदू या मुसलमान, कोई भी कास्ट के हों, अगर बीमारी से पीड़ित हुए हैं तो अभय कुमार धीरज ओझा के पास आए हैं, उनको हर सहयोग मिला है, उनको पैसा भी दिया गया, अपने जेब से कोई विधायक देता नहीं है, लेकिन पहला ऐसा विधायक है अभय कुमार धीरज जो अपने जेब से पैसा निकाल के असहाय को दिया है। और इतने कितने पेंसिल क्या बोलते हैं कैंसर जो है पीड़ित कितने आए हैं, फ्री उनका इलाज करवाए हैं, वहाँ पूरा अपने पैर पर लिख कर दिए हैं, हर जात के लोग उनके गए हैं, इस नहीं है ये खाली वो ब्राह्मण विधायक है, ब्राह्मण नहीं किए हैं, ये सब का किए हैं, ये सब का साथ सब का विकास, ये मोदी जी योगी जी का नारा है, वो भी हमारे अभय कुमार धीरज ओझा जी का नारा है। और यहाँ रानीगंज विधानसभा में कॉलेज हो लाए, हॉस्पिटल हो बनवाए, क्या खेल मैदान हो बनवाए, और उसके बाद जो यहाँ के सन औषधि अस्पताल में लेके आए हो, जो बहुत दामों में बेची जाती थी दवा, वो सस्ती दामों में करवाया भाई कुमार धीरज ओझा जी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद आमिर खान है। प्रतापगढ़ जनपद जिले की कौन सी विधानसभा है? रानीगंज विधानसभा 250 जी। यहाँ से कौन कौन से लोग प्रत्याशी हैं? इसमें 3 लोग प्रत्याशी हैं जी। कौन कौन से लोग? माननीय ओझा धीरज जी जी, और इसके बाद आर के वर्मा जी सपा से, इसके बाद क्या अजय यादव बसपा से। तो क्या माहौल है भैया, कौन इस बार किसी यहाँ माहौल? केवल भाजपा कमल का फूल और कोई नहीं, बाहरी प्रत्याशियों को रानीगंज विधानसभा में कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे धीरज ओझा जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद रहेंगे, यहाँ के लड़के हैं, यहाँ के रहवासी हैं, बाहरी आदमी हम लोगों को नहीं चाहिए, हम लोगों को केवल धीरज ओझा चाहिए, कमल का फूल चाहिए। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम नीरज शुक्ला, हम सुल्तानपुर ग्राम सभा से हैं जी। जी भैया, आप किस विधानसभा के हो? रानीगंज 250। नाम बताओ। नाम बताइए अपना, नाम क्या है? सुरेंद्र कुमार पटेल। क्या माहौल भैया यहाँ, इस बार कौन विधायक बन रहा है? यहाँ पे माननीय विधायक धीरज ओझा जी के एक बार जीत रहे हैं। अच्छा, क्यों है? ये उनका एरिया है, उनका क्षेत्र है, और जो दो लोग आए हैं वो बाहर से हैं, ठीक है? तो बाहर के लोगों को यहाँ कोई सम्मान नहीं है? नहीं। हाँ, क्या क्या पूरा नाम फिर से बता पाता जी? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार पटेल है। तो किसको आप विधायक बना रहे हैं? माननीय विधायक धीरज ओझा जी को। धन्यवाद भैया। श्री बोला पूरा पटेल। क्या नाम है आपका? हमारा नाम किशन यादव है। यहाँ से कौन कौन से लोग लड़ रहे हैं, किस किस पार्टी? यहाँ से बसपा से अजय यादव लड़ रहे हैं,
उसके बाद सपा से आर के वर्मा जी लड़ रहे हैं और यहाँ से 250 विधानसभा से धीरज ओझा जीत रहे हैं। तो क्या स्थिति है? अरे बहुत अच्छा स्थिति है, भाजपा जीत रही है। भाजपा जीत रही है? हाँ। आप श्योर हैं भाजपा? हाँ। क्या नाम है आपका? यहाँ तो साहब को जब धीरज ओझा को दे रहे हैं वोट। क्या नाम है भैया आपका? अजय किशन यादव। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में मंत्री जी जमकर ठुमके लगा रहे हैं। गाना बुंदेलखंडी में है। विपक्षियों की तरफ से इस वीडियो को सोशल मीडिया के माध्यम से खूब वायरल किया जा रहा है। संभल में ओवैसी की जनसभा में बवाल हो गया। बताया जा रहा है कि लोग आगे खड़े हो गए, जिसको लेकर नाराजगी देखने के लिए मिली है। कुर्सियां फेंकी गई, तोड़फोड़ की गई। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में हत्या का मामला सामने आया, जहां पर पति ने पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। वहीं जब आरोपी से इस बारे में पूछा गया तो उसका कहना था कि उसकी पत्नी पर भूत प्रेत का साया है, जिसको देखकर वो अपना आपा खो बैठा और कुल्हाड़ी से उसके सिर पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है कि वो पति जो है वो सनकी मिजाज का है। साथ ही हत्या का मामला दर्ज करते हुए जेल भेज दिया गया। आज मोबाइल फोन से सूचना मिला कि ग्राम पेटला में सुधन राम यादव अपनी पत्नी को मारकर हत्या कर दिया है। सूचना पर थाना प्रभारी एडीपी साहब दोनों जो थे घटना स्थल पर गए और जाके विवेचना किए, जो सही पाया गया कि सुधन राम यादव अपनी पत्नी को हत्या कर दिया था घर में। तो उसका लड़का अनिल यादव के रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर 302 भादवी के तहत आरोपी सुधन राम यादव को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रिमांड पर भेजा गया है। अब मैं जान भी नहीं करा था, पागल हो जा रहे। पागल हो गए? हाँ, पागल हो जा रहे। भूत का चक्कर में वाला मार दिए, हथुए में देखें कि को मार रहे हैं। कांची से मारे? टांगी में। टांगी में कै बजे मारे? ओ 12 बजे है। 12 बजे? हाँ। क्या बात कुछ नहीं, झगड़ा ना फगरा कुछ नहीं लग रहे, नहीं लग रही। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।